रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो लेसन रीडिंग करवाई थी, उस्ताद का अदब व एहतराम और ईदेन, दो लेसन है। आज का टेस्ट आपका उन्हीं दो लेसन में से है। आपने इसको पहले लेसन को अच्छे से याद करना है और फिर उसके बाद आपने ये टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है? अब इसका आपका पहला टेस्ट है, इसमें उसके कुल मार्क्स हैं 20। और इसमें सबसे पहले दर्ज है सवालात के जवाब दीजिए। इसमें नंबर एक है, तालीम देने वाले या इल्म सिखाने वाले को क्या कहते हैं? तालीम देने वाले या इल्म सिखाने वाले को क्या कहते हैं? नंबर दो है, रूहानी बाप किसे कहते हैं? नंबर दो है, रूहानी बाप किसे कहते हैं? नंबर तीन है, ईदेन के क्या मानी है? क्वेश्चन नंबर तीन है, ईदेन के क्या मानी है, ठीक है? इसके बाद देखें आपका अगला सवाल है, ईद उल फितर कब मनाई जाती है? क्या सवाल है? ईद उल फितर कब मनाई जाती है? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दर्जल अल्फाज के तोड़ मुअम्मे में से तलाश करें, ठीक है? और इसके भी तलाश करके आपने इनके गिर सर्कल करना है, ठीक है? इसमें पहला है रमज़ान, शवाल, सुन्नत, कुर्बानी, खुशियाँ, ठीक है? ये वर्ड्स हैं, ये आपने इसमें से, ये मैंने मोमो लिखा हुआ है, इसके हरूफ तोड़ कर लिखे हैं, इसमें से आपने इसको सर्कल करना है। इसमें देखिए, जैसे ये पहला लफ्ज़ है कुर्बानी, तो कुर्बानी के काफ रे बे अलीफ नून छोटी है, क्या लफ्ज़ बना? कुर्बानी। ऐसे आपने इसको ला के, तो ऐसे ये इसको अपने इसको सर्कल कर देना है। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है? बाकी भी सारे आपने ऐसे ही करने हैं। ये देखें, ये सारे आपको लफ्ज़ दिए हैं, आपने इसमें से लफ्ज़ बनाने हैं और ये आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, कालम मिलाइए, ठीक है? ये दो कालम, दो कॉलम दिए हुए हैं, कालम अलिफ। इसमें देखें, पहला है इस्लाम में उस्ताद, उस्ताद को उस्ताद की हदायत पर उस्ताद का जिक्र, और कालम बे में है शिकायत का मौका नहीं दिया, अदब व एहतराम करना चाहिए, अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है, ठीक है? अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है, उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। नंबर लास्ट है, अमल करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये आपको कॉलम दिएगा, अब आपने जिसका, जिस लफ्ज़ का जिसके साथ ताल्लुक है, जैसे ये देखें, देखिए इस्लाम में उस्ताद का बहुत बुलंद मुकाम है, इसको इसके साथ आप मैच करेंगे मिसाल के तौर पर। बाकी भी आपने पढ़ के सारे इसको अच्छे तरीके से इनको सही से मैच करना है, ठीक है? पहले लेसन दोनों जो हैं, उस्ताद का अदब व एहतराम और ईदेन, अच्छे से आपने याद कर लेने हैं, उसके बाद आपने ये टेस्ट सॉल्व करना है। इसमें आपके चार क्वेश्चन हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आपका ये अगला सवाल जो है वो है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, रमज़ान, शवाल, सुन्नत, कुर्बानी, खुशियाँ, ये उसके आगे इनके तोड़ लिखे हुए हैं, आपने इसमें से इनके लफ्ज़ तलाश करें। जैसे एक मैंने आपको करके दिखा दिया है, काफ रे बे अलीफ नून छोटी ये नी, क्या बना? कुर्बानी। उसको फिर आपने सर्कल कर देना है, इसी तरह आपने सबको सर्कल करना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है ये कॉलम, और ये कॉलम आपने इसको पढ़ के, तो आपने इसको अच्छे से कॉलम अलिफ को कॉलम बे के स्टेटमेंट के ताल्लुक कायम करके उसके साथ मिलाना है, ठीक है बच्चों? टेस्ट अच्छे से सॉल्व कीजिए आप लोग।